गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे माय एनालॉग डिजिटल इज लेक्चर नंबर इज 20 एंड टुडे माय टॉपिक इज QM मेथड फॉर फंक्शन रियलाइजेशन मींस ट्यूबुलर मेथड। QM मींस क्विज क्वीन क्लस की मिनिमाइजेशन टेक्निक। ओके, सो दिस टेक्निक इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इनपुट इन सिस्टम। मीन्स के जब हमारे वेरिएबल सबसे ज़्यादा होते हैं तब हम इस मेथड या टेक्निक को इम्प्लीमेंट करते हैं और दिस सिस्टम वेरियस कॉम्प्लेक्स डिजिटल सिस्टम के जरिए बनता है। ओके, वेरिएबल इज मोर होता है, एक दो तीन तीन से ज़्यादा होता है तब ए टेक्निक इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, सो दिस मेथड इज एन हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल। ओके, सेकंड इज दिस टेक्निक शुड नॉट डिपेंडेंट ऑन एबिलिटीज ऑफ यूजर। ओके, ये हमारी मेथड इसी भी मेथड या यूजर्स की एबिलिटी को डिफाइन नहीं करती है। ओके, दिस टेक्निक नंबर ऑफ वेरिएबल सबसे ज़्यादा हो तो यूज़ कर सकते हैं। ओके, जब मान लो कि एक एग्जांपल है, एग्जांपल y ऑफ a b c d इज इक्वल टू समेशन 0 1 2 8 10 11 14 15। ओके, यहाँ पर क्या है y ऑफ a b c d, y का फंक्शन में क्या है, कितने वेरिएबल है, चार वेरिएबल है a b c d। ओके, और समेशन में कौन सी वैल्यू दी है, 0 1 2 8 10 11 14 15। ओके, चार वेरिएबल है y ऑफ फंक्शन के। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप वन में सबका हमें बाइनरी निकालना है, 0 का बाइनरी 1 का, 2 का, 8 का, 10 का, 11 का, 14 का और 15 का। ओके, कितने बिट में, 4 बिट में। तो हम रख देंगे ए बी सी डी, तो 0 का बाइनरी क्या आएगा, 0 का बाइनरी 0000। अब 1 का बाइनरी क्या आएगा, 1000। 2 का 0100। 8 का 0001, होता है ना 1 2 4 8, उसकी तरह से। ओके, 8 का 1 2 4 8 मीन्स 8 और 2 10, 0101, 10 का बाइनरी। 11 का 1101, 1 2 4 8, 8 और 2 10 और 11, क्या 11, 1101, 14, ओके, 0111, 8 और 4 12, 12 और 2 14, ओके, 15, 1111, ओके, सबके सब 1 ही आएंगे, 15 का बाइनरी। ओके, स्टेप वन में क्या फाइंड करना है, सबका हमें बाइनरी निकालना है 4 बिट में, 0 1 2 8 10 11 14 और 15 का। ओके, अब स्टेप टू में हमें क्या करना है कि सबका हमें ग्रुप निकालना है कि 0 ग्रुप वाले कितने हैं, तो C0 इज इक्वल टू 0 ग्रुप वाले कितने हैं कि वह अंदर कुछ भी 1 नहीं है। ओके, तो कितने हैं, ओनली 1 ही है, 0000 आ गए, 0 वाला ग्रुप 1। अब G1 ओनली 1 है, इतने कितने हैं, एक तो 1 है 0001, सेकंड 0010, 2 और 8 1000। ओके, तीन में ग्रुप हो गए G1 का। अब G2 का देखते हैं, 2 1 हो कितने हैं, 10 है, ओनली 10 ही है। ओके, ओनली 10 ही है, 1010, 10 है। अब G3 में 3 1 हो, उसका ग्रुप बनाना, तो 3 एक तो 11 है और 14 है, 11 में 1011, 3 1 है, आगे 3 1, 14 में 1110 आगे। अब 15 रह गया, तो उसमें 4 का ग्रुप 1111। ओके, तो हमें पहले ग्रुप फाइंड करें, पहले सबसे पहले क्या किया, फाइंड द बाइनरी नंबर ऑफ ऑल टर्म्स, फिर उसके बाद फाइंड ग्रुप, हमने G0 G1 G2 G3 G4 हमें फाइंड किया। ओके,
हमने ग्रुप फाइंड कर दिया, बाइनरी निकाल ले। अब तीसरे स्टेप में क्या है, ग्रुप मिनटर्म्स कंपेयर विथ नेक्स्ट ग्रुप। ओके, क्या किया, ग्रुप टर्म्स कंपेयर विथ नेक्स्ट ग्रुप। जीरो मिनटर्म विथ सी वन मिनटर्म मीन्स वन बिट डिफरेंस हमें निकालना होगा। ओके, किस तरह से दिखते हैं कि हमें जी वन का है मिनटर्म है, इसके जी जीरो का मिनटर्म है, सॉरी जी वन के साथ मिनटर्म को कंपेयर करना होगा। मीन्स इधर का बिट यहाँ पे, यहाँ का बिट यहाँ पे, यहाँ का बिट यहाँ पे और यहाँ का बिट यहाँ पे, ओनली फॉर एक बिट का डिफरेंस आना चाहिए। रूल्स है कि एक बिट का नियम, एक बिट का डिफरेंस आना चाहिए। तो हम रख देंगे ज़ीरो और वन, ये सब हम प्राइम इम्प्लीकेंस फाइंड कर रहे हैं, ये डैश वाला है, ज़ीरो वाला है वो, तो ज़ीरो वन। ओके, तो ज़ीरो वन में क्या आएगा, ज़ीरो 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 और लास्ट में ज़ीरो वन डिफरेंस है, तो हम वहाँ पर क्या रख देंगे, अंडरस्कोर। ओके, ज़ीरो वन में ज़ीरो 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 और अंडरस्कोर। ओके, अब ज़ीरो और टू में है ज़ीरो 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 ज़ीरो, यस है, क्योंकि एक ही डिफरेंस निकल रहा है ज़ीरो और वन का, बाकी सब सेम है ना। ओके, तो ज़ीरो टू का आ जाएगा, ज़ीरो टू का आ गया ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ओनली एक ही बिट का डिफरेंस था, वहाँ पर अंडरस्कोर लगा दिया हमने। ओके, अब ज़ीरो का एट से है, देखते हैं, यस है ज़ीरो और वन आ गया डिफरेंस, और यहाँ पर एज इट इज़ है। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर इस ए वाले बिट में अंडरस्कोर, बाकी सब में ज़ीरो आ जाएगा, आ गया अंडरस्कोर ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। ओके, अब ज़ीरो का वन के साथ ख़त्म हो गया, अब हम वन का टू के साथ कंपेयर करेंगे। ओके, वहाँ पर हम क्या निकालेंगे, वन बिट का डिफरेंस, तो वन बिट का डिफरेंस आ रहा है ज़ीरो के साथ वन आ गया, ज़ीरो 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 के साथ वन, वन के साथ ज़ीरो, तो ये हमारा वैलिड नहीं होगा वन के टेन के साथ, ये वन का टेन के साथ वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो तीन डिफरेंस आ रहे हैं, एक दो और तीन, तो ये हमारा नहीं होगा। अब टू का टेन के साथ ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो वन वन और ज़ीरो ज़ीरो, तो ये हमारा आ गया, तो टू और टेन। ओके, टू और टेन का होगा तो क्या होगा, ज़ीरो वन मीन्स अंडर स्कोर ज़ीरो वन ज़ीरो, टू और टेन अंडर स्कोर ज़ीरो वन ज़ीरो आ गए। ओनली फॉर डिफरेंस हमें निकालना है, बिट का डिफरेंस कहाँ पर मिलता है, ज़ीरो और वन मीन्स अंडर स्कोर, ज़ीरो का ज़ीरो ज़ीरो एज इट इज़, वन का वन वन, ज़ीरो का ज़ीरो ज़ीरो एज इट इज़। ओके, वन बिट का डिफरेंस होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं। अब हम एट और टेन में ज़ीरो ज़ीरो वन वन ज़ीरो 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 वन और ज़ीरो ज़ीरो, यस आ सकता है, क्यों, क्योंकि एक बिट का ही डिफरेंस है ज़ीरो और वन का, तो हमारा क्या आएगा, वन ज़ीरो अंडर स्कोर ज़ीरो, वन ज़ीरो अंडर स्कोर ज़ीरो आ गया एट और टेन। ओके, अब जी टू का जी थ्री से, ओके जी टू का जी थ्री से, टेन का इलेवन से, तो देखते आता है कि नहीं आता, वन का वन मैच, ज़ीरो का ज़ीरो मैच, वन का वन मैच, ज़ीरो का वन डिफरेंस बिट, एक कंपेरिजन आई ज़ीरो वन। ओके, तो हमारा वैलिड है, तो हम क्या करेंगे, वन ज़ीरो वन अंडर स्कोर टेन इलेवन, वन ज़ीरो वन अंडर स्कोर। ओके, अब आता है टेन का फोर्टीन से, वहाँ पर डिफरेंस निकल रहा है वन वन ज़ीरो वन 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 ज़ीरो ज़ीरो, यस इस बी वाला बिट में निकल रहा है डिफरेंस ज़ीरो वन में, तो क्या आएगा, वन अंडर स्कोर वन ज़ीरो, वन अंडर स्कोर वन ज़ीरो। ओके, अब लास्ट वाला रह गया जी थ्री का जी फोर से के साथ। ओके, तो क्या आएगा, वन वन ज़ीरो वन डिफरेंस आ गया वन वन और वन वन। ओके, तो क्या आएगा, वन अंडर स्कोर वन वन, वन अंडर स्कोर वन वन इलेवन फिफ्टीन में। अब फोर्टीन और फिफ्टीन में क्या आएगा,
111 अंडरस्कोर, ओके 111 अंडरस्कोर, ओके। स्टेप नंबर 3 में क्या किया हमने, सबके मिन टर्म्स को कंपेयर किया, G0 के साथ G1 का, G1 के साथ G2 का, G2 का साथ G3 का, और G3 का साथ G4 में, ओके। दो 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 और दो, ओके चार हमें कंपैरिजन निकाली, ओके 1, 2, 3 और 4, ओके उसका एक बिट के डिफरेंस के हिसाब से, ओके स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4 में क्या, हमने अब 0, 2 का हमें किसके साथ सबके 0, 1, अब हम इसका डिफरेंस निकालना है 0, 1 से 2, 10 के साथ, मींस एक बिट का डिफरेंस आना चाहिए, कितना एक बिट का, एले 0- आ गया 0, 0, 0, 1 डिफरेंस, अंडरस्कोर 0 तो हमारा नहीं होगा, नॉट वैलिड, 0, 1, 8, 8, 10, 0, 1, 0, 0, 0 अंडरस्कोर अंडरस्कोर 0, ये भी एक से ज़्यादा बढ़ गया, ओके अब क्या आएगा 0, 2 का 2 को 10 के साथ, देखते हैं चलो 0, 0, 0 अंडरस्कोर 0, 0 अंडरस्कोर 1 0, 0 बढ़ गया, ओके तो नहीं आएगा, ओके अब 0, 2 का 8, 10 के साथ 0, 1, 0, 0 अंडरस्कोर अंडरस्कोर 0, 0 आ गया, एक ही डिफरेंस है 0, 2 का 8, 10 के साथ 0, 1 का, ओके तो हमने लिख दिया 0, 2, 8, 10 मीन्स यहाँ पर अंडरस्कोर, क्योंकि इस बिट में कंपैरिजन आई 0 और 1 की, तो अंडरस्कोर 0- मीन्स अंडरस्कोर और 0, ओके तो यहाँ पर हम टिक मार्क लगा देंगे 0, 2 में और 8, 10 में, ओके अब हमारा बाकी काम रहेगा 0 और 8 को इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो 0 और 8 को 2, 10 में कंपेयर करते हैं 0, 0, 0, 1 और 0, 0 एक बिट का आ गया यहाँ पर का, देख सकते हैं 0 और 8 का कंपैरिजन 0, 8 का कंपैरिजन 2 और 10 में मींस अंडरस्कोर 0, 0, 0, 1 और 0, 0, ओके सो हम क्या क्या लिख सकते हैं अंडरस्कोर 0 अंडरस्कोर 0, ओके सो अभी हम टिक मार्क्स लगा देंगे 0, 8, 2, 10, ओके अब हमें क्या करना है 2, 10 को 10, 11 और 2, 10 को 10, 40 के साथ और 8, 10 को 10, 11 और 10, 40 के साथ 1 बिट का डिफरेंस निकालना होगा, लेकिन यहाँ पर हमें पॉसिबल नहीं है, देखते हैं अंडरस्कोर 1, 0, 0, 1, 1, 0 अंडरस्कोर ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि 2 बिट का डिफरेंस आ गया 2 बिट का डिफरेंस आ गया, ओके अब हमें 2, 10 को 10, 40 के साथ कंपैरिजन अंडरस्कोर 1, 0 अंडरस्कोर 1, 1, 0, 0 दो आ गया, अब 8, 10 का 10, 11 में 1, 1, 0, 0 अंडरस्कोर 1, 0 अंडरस्कोर ये भी नहीं आएगा, 2 आ गए, अब 8, 10 को 10, 14 के साथ 1, 1, 0 अंडरस्कोर अंडरस्कोर 1, 0, 0 ये भी नहीं आएगा, इसलिए पूरे का पूरा टर्म नहीं आएगा, ओके अब हमें 10, 11 को 11, 14, 11, 15 के साथ और 10, 11 को 14, 15 के साथ और 10, 14 को 11, 15 के साथ और 14, 15 के साथ, ओके तो सबसे पहले हम 10, 11 को 11, 15 के साथ कंपेयर करेंगे 1 बिट डिफरेंस का और देखेंगे तो क्या आएगा 1, 1, 0 अंडरस्कोर 1, 1 अंडरस्कोर 1 नहीं आएगा, क्योंकि बिट का डिफरेंस 2 आ गए, एक ये और एक ये, ओके तो 10, 11, 11, 15 नहीं आएगा, अब 10, 11, 14, 15 का हम देख रहे हैं 1, 1, 0, 1 एक आया 1, 1 अंडरस्कोर अंडरस्कोर
मैच हो गए, एक ही डिफरेंस है 0-1 का, तो क्या आएगा 1-1 अंडरस्कोर 1 अंडरस्कोर आ गए 10-11 40-50 आ गए, ओके 1 अंडरस्कोर 1 अंडरस्कोर ओके। अब हमें क्या करना है, नीचे वाला 10-40-11-15 के साथ 1-1 अंडरस्कोर 1-1-0-1, एक बिट का डिफरेंस आया लास्ट में, तो क्या आएगा 1-1 अंडरस्कोर 1 अंडरस्कोर आ गए ओके। तो हमें एक्सप्रेशन रिड्यूस होते जा रहे हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें सबके सब मैच हो गए बीट्स, तो अब हमें यहाँ पर ही स्टॉप करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना, एक फंक्शन हमें एक कैलकुलेट करना है, कौन सा f, f इज इक्वल टू क्या a बार b बार c बार प्लस b बार d बार प्लस ए सी ओके। इसको छोड़ के सब प्राइम इम्प्लीकेंट्स, ये डैश वाला है इसको हम नहीं लेने हैं, ये बाकी रह गया था क्योंकि इस टर्म इस डिजिट किसी के साथ मैच नहीं हुआ था, मीन इसको ही हम कंसिडर करने हैं, इसको हम कंसिडर नहीं करने क्योंकि ये सब तो एक बीच एक दूसरे के साथ मैच हो गए थे ना फर्स्ट बीच डिफरेंस के, ओनली फॉर ये ही नहीं रहे बाकी रह गया था और इसमें बाकी रहेगा क्योंकि ये भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहे, मीन्स के वन बिट का डिफरेंस नहीं आ रहा है ओके। तो ये 1, 2 और 3 यहाँ पर से हमें एक एक्सप्रेशन बनाना है, मीन्स ए है 0 तो हमारा क्या आएगा ए बार, बी 0 है तो बी बार और सी 0 है तो सी बार ओके। तो आ गए फर्स्ट, अब सेकंड ए अंडरस्कोर, तो हमें कुछ नहीं लिखने का, 0 बी बार मीन्स बी 0 और डी बार डी 0। अब लास्ट में ए और सी, ए हमारा 1 है तो बार नहीं आएगा ए, सी हमारा 1 है तो बार नहीं आएगा ए सी। ये हमारा फंक्शन आ गया, ये हमारा फंक्शन लाइक की मैप हम यूज़ करते थे मेथड उसी तरह का मिल जाएगा, लेकिन ये हमारे ज़्यादा वेरिएबल होने के कारण हमें इस QM मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ा। QM मेथड क्वीन क्लंस्की मेथड, फंक्शन रियलाइजेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए ओके। तो हमें फॉर वेरिएबल दिया था, फिर उसको हमें क्या किया बाइनरी में, बाइनरी के बाद ग्रुप एक बनाया, ग्रुप के बाद हमें डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकालने के बाद 0 और 1 में सबको एक एक बिट का डिफरेंस निकाला और लास्ट में हमारा फंक्शन रिलाय मीन्स रिड्यूस हो गया और उसके हिसाब से हमें एक फंक्शन बनाया जो कि फंक्शन था ए बार बी बार सी बार प्लस बी बार डी डी बार डी प्लस ए सी था ओके। तो इसका एक एग्जांपल आपको एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में 4 या 5 मार्क्स में आ सकता है शॉर्ट में इसी तरह का ओके फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ का लेक्चर हम कंक्लूड कर रहे हैं, थैंक यू। और यहाँ पर कॉम्बिनेशनल सर्किट हमारी ख़त्म होती है, नेक्स्ट लेक्चर में हम सीक्वेंशियल सर्किट स्टडी करेंगे, थैंक यू।